ओके अभी दिखाई दे रही ना स्क्रीन सबको? राइट, आई थिंक मेरे हिसाब से अभी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी। रिफ्रेश करो थोड़ा सा पेज को। यस यस अभी दिखाई दे रही होगी, रिफ्रेश करो पेज को थोड़ा सा तो आपको दिखाई देगी। यस फाइन ओके। तो हम एक्चुअली इस थ्योरम को मैं रिपीट कर रहा था। तो अगर हम जो सेट थ्योरी का इक्वेशन था, उस सेट थ्योरी के इक्वेशन को अगर हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। तो सिंपली मैंने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके आई थिंक दिलीप और आदित्य ने ये क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोला था। आई होप दिलीप बेटा आता क्लियर है तुझा? आदित्य कमेंट करून सांगा। यस ओके फाइन ओके। हे इम्पॉर्टंट थेरम आहे, हा इम्पॉर्टंट थेरम लक्षात ठेवा, याच्यावरूनच आपल्याला प्रॉब्लेम्स सॉल्व करायचे आहे। ओके और उसके बाद ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ना, इस डी मॉर्गन्स लॉ के ये जो चार रिजल्ट है, इन चार रिजल्ट को भी आप लोग अच्छे याद अच्छे तरीके से याद रखो। हे पाठच करून ठेवा, हे डी मॉर्गन्स लॉचे जे चार स्टेटमेंट आहेत हे चार स्टेटमेंट व्यवस्थित पाठच करून ठेवायचे। तो अभी कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है अलजेब्रा ऑफ सेट के रिलेटेड। तो जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इन तीनों लॉज को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा लेकिन फिर से हम एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। सो अलजेब्रा ऑफ सेट, ओके अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे मैं कुछ रिजल्ट लिखता हूँ, कुछ लॉज है, उस लॉ जनरली ये जो लॉ है ये लॉ हम हर टाइम मतलब हर टॉपिक में देखते आ रहे हैं। ये जो लॉ है ना, जैसा कि कम्युटेटिव लॉ है, त्याच्यानंतर असोसिएटिव लॉ है, त्याच्यानंतर डिस्ट्रीब्युटिव लॉज आहेत, हे आपण मॅट्रिक्समध्ये पण पाहिलं होतं, तेच मी परत इथे लिहून दाखवतो तुम्हाला। फर्स्ट लॉ आहे हमारा कम्युटेटिव लॉ, फर्स्ट लॉ इज कम्युटेटिव लॉ। तो इस लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी है, अगर ए यूनियन बी है, अगर ए यूनियन बी है तो उसको हम बी यूनियन ए ऐसा लिख सकते हैं। सिंपल लक्षात ठेवायचं, जर ए यूनियन बी असेल तर आपण त्याला बी यूनियन ए असं लिहू शकतो। त्याचबरोबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर ऐसा होता है तो इसको हम बी इंटरसेक्शन ए ऐसा लिख सकते हैं, म्हणजे रिवर्स लिहू शकतो। जसं वन मल्टीप्लाइड बाय टू इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाय वन ऐसा हम लिख सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए ऐसा रिवर्स लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर द इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन ए ऐसा लिख सकते हैं। सो दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ, इस लॉ को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड वन इज द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ का यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट्स हैं,
तो एसोसिएटिव लॉ इक्वल टू, अगर एक ब्रैकेट में ए यूनियन बी है और ये कंप्लीट ब्रैकेट यूनियन विथ सी है तो इसको हम अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। मुझे लक्षात गया, फक्त ब्रैकेट चेंज केला है मी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को मैंने चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया है यहाँ। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसा लिख सकते हैं। लक्षात घ्या, असोसिएटिव लॉ मध्ये आपण फक्त आणि फक्त ब्रॅकेट चेंज करत असतो, दोन्ही साइडला सेमच असतं, फक्त ब्रॅकेट जे आहेत ते ब्रॅकेट आपण काय करत असतो, इथे चेंज करत असतो, सिर्फ और सिर्फ ब्रॅकेट यहाँ पे हम चेंज करते हैं। राइट, सो सिर्फ ब्रैकेट हम यहाँ पे चेंज कर, ओके। एंड लास्ट थर्ड देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सो अगर ए यूनियन बी है, अगर ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन विथ सी है, अगर ए यूनियन बी है और इस ब्रैकेट का इंटरसेक्शन अगर विथ सी है, तो पहले जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो ए इंटरसेक्शन सी करो, उसके बाद यूनियन का सिंबल लगा दो, उसके बाद क्या करो, बी इंटरसेक्शन सी कर दो, जैसे हम ब्रैकेट में करते हैं ना। देखो सपोज इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे पास ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और यहाँ पे सपोज प्लस सी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं ए को सी के साथ प्लस करूँगा, तो ए प्लस सी, उसके बाद जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट को ब्रैकेट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई को एज इट इज, उसके बाद क्या करूँगा, बी प्लस सी लिखूँगा, बी प्लस सी। अपन जनरली असं करतो बघा, जसं मी खाली लिहिलेलं आहे, राईट, तर त्याच पद्धतीने इथं त्यांनी इंटरसेक्शन आणि युनियनसाठी केलेलं आहे। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्शन और युनियन के लिए किया। जसं आपण पहिल्यांदा ब्रॅकेट सॉल्व करत नाही का, तर तसंच त्याच पद्धतीमध्ये इथे पण त्यांनी पहिल्यांदा ब्रॅकेटच सॉल्व केलं और इसको हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन सी, उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके। लक्षात ठेवायचं हे, फक्त ऑब्झर्वेशननी लक्षात ठेवायचं, हे पाठ करत बसायचं नाही, हे पाठ करण्याची काहीच गरज नाही। जे आपले जे आधीचे पॉईंट्स होते, जे आधीचे पॉईंट्स होते, त्या आधीच्या पॉईंट्सला, आधीचे जे मी तुम्हाला डी मॉर्गन्स लॉ सांगितलेले, ते डी मॉर्गन्स लॉ तुम्ही पाठ करा, पण हे पाठ करण्याची एवढं काही गरज नाही आहे। याला फक्त तुम्ही सेपरेट सेपरेट लिहायचे, याला काय करायचं, तुम्हाला फक्त सेपरेट सेपरेट लिहायचे, कम्युटेटिव्ह लॉ याच्या रिव्हर्स हे, याच्या रिव्हर्स हे, हे तर पाठ झालं लगेच, म्हणजे फक्त अपोजिट करायचे। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए बन जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए बन जाएगा। उसके बाद ये भी, यहाँ पे तो सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करना है,
पहले ब्रैकेट यहाँ पे था, तो इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिखना है। गौरव बेटा एकदम राइट, यहाँ पे हमें सिर्फ उसको रिवर्स करना है। और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में तो सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करना है, ये ब्रैकेट दो लेटर आगे लेके जाना है, इस ब्रैकेट को भी दो लेटर आगे लेके जाना है। एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक अप्लाई करनी है। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, लेकिन इसका जो सिंबल है, सिंबल कौन सा है, इंटरसेक्शन का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए इंटरसेक्शन सी। और उसके बाद जो यूनियन का सिंबल है, इस यूनियन को सिंबल को यहाँ पे रख दिया है, फिर बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, लेकिन सिंबल के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो बी इंटरसेक्शन सी बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने सेम कंसेप्ट अप्लाई किया। ओके, तो इस प्रकार से हमें ये आपको याद रखना है। क्लियर? ओके फाइन। तो और एक दो पॉइंट्स हैं, वो दो पॉइंट्स अच्छी तरीके से याद रखो। इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ दो ही पॉइंट है। दो पॉइंट होने के बाद हम यहाँ पे स्टॉप, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सपोज फर्स्ट पॉइंट, इफ फाई, याद रखो हम जो सेट SET जो सेट टॉपिक है, phi को हम सेट से इंडिकेट करते हैं। इफ phi डिनोट्स एन एम्प्टी सेट, अगर कोई phi है और इस phi को हम क्या करते हैं, किसी भी एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई कुछ भी नहीं है, खाली रखा है। एम्प्टी मतलब, एम्प्टी का मीनिंग क्या होता है, रिकामा होता है। एम्प्टी सेट, कुछ नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी होती है ज़ीरो। याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी एम्प्टी सेट है तो इस एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी होती है ज़ीरो। और इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ज़ीरो, राइट? तो ये पॉइंट याद रखना है एम्प्टी सेट का, ये ऊपर वाला थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। अगर कोई भी एम्प्टी सेट होता है तो उस एम्प्टी सेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे होती है, ज़ीरो होती, राइट? और सेकंड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना है तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एक एक्चुअली लॉ है, एग्जामिनर क्या करतो, कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन विचारू शकतो, त्याच्यामुळे हा लॉ लक्षात ठेवा फक्त। लॉ ऑफ कम्प्लिमेंटेशन, लॉ ऑफ कम्प्लिमेंटेशन, COMPLEMENTATION, लॉ ऑफ कम्प्लिमेंटेशन। इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, फॉर एनी नॉन ज़ीरो इवेंट
शो दैट फॉर एनी नॉन जीरो इवेंट शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट probability of a complement is equals to 1 minus probability of a probability of a complement is equals to 1 minus probability of a okay so is prakar se hame is law ko yaad rakhna hai a non zero event vagere sodun daycha fakt he je sangitle probability of A complement is equal to 1 minus probability of A. सिर्फ इसी पॉइंट को आपको याद रखना ओके अभी हम एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आंसर आप लोगों को आता है क्या हम चेक करेंगे ओके नेक्स्ट पेज के ऊपर लेता हूँ मैं बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है सपोज अ स्पिनर हैज A spinner has four equal sections, four equal sections. A spinner has four equal sections colored yellow. colored yellow blue comma green and red तो मैं इसी पॉइंट को पहले आपको समझा देता हूँ एक स्पिनर है जैसे क्रिकेट में स्पिनर होता है वैसे एक स्पिनर है उसके पास चार इक्वल सेक्शंस है एक सेक्शन का कलर येल्लो है दूसरे सेक्शन का कलर ब्लू कलर है थर्ड सेक्शन ग्रीन कलर का है और जो फोर्थ सेक्शन है वो रेड कलर का है हमें पूछा क्या गया है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ landing on each color after spinning this spinner ओके तो एक कंप्लीट एक स्पिनर है सिंपली और इस स्पिनर को हमें क्या करना है मूव करना है स्पिनर सबको पता होगा मेरे हिसाब से इसका डायग्राम बता देता हूँ आपको तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे एक राउंड सर्कुलर स्पिनर होता है जिसके चार सेक्शंस है ओके एक सेक्शन येलो कलर का है ये दिस इज का इसको बोलते हैं स्पिनर ओके उसके अभी यहाँ पे तीन सेक्शन है लेकिन हमने क्या कंसिडर किया है चार सेक्शन है तो एक सेक्शन रेड का है एक सेक्शन येलो का है एक सेक्शन ग्रीन है और एक है ब्लू सेक्शन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि What is the probability of landing each color? So उसको मैंने spin कर दिया तो after spinning red color मिलने के कितने chances है yellow color मिलने के कितने chances है blue color मिलने के कितने chances है और उसके साथ green color मिलने की probability क्या है ये हमको question पूछा गया है तो simply अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो पहले देखो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप फाइंड आउट करोगे कि आपके पास सैंपल स्पेस कितने हैं
लक्षात ठेवा, प्रोबॅबिलिटीचा कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना पहिल्यांदा सॅम्पल स्पेस फाइंड आउट करायचे, किती सॅम्पल स्पेस आहेत. कुठलाही प्रोबॅबिलिटीचा प्रॉब्लेम असेल पहिल्यांदा काय फाइंड आउट करायचं, सॅम्पल स्पेस फाइंड आउट करायचा. सो सॅम्पल स्पेस को हम इंडिकेट करते कॅपिटल एस से. तो हमारे पास कितने सॅम्पल स्पेस है, एक येल्लो है, दूसरा ब्ल्यू है, तीसरा ग्रीन है एंड चौथा है हमारे पास रेड. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ द सैम्पल स्पेस यस इज इक्वल्स टू 4. बरो बेटा, एकदम बरोबर, राइट. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल टू 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सपोज हम इवेंट ए कंसिडर करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. फेवरेबल इवेंट, सो फेवरेबल इवेंट का मतलब क्या है कि मुझे येल्लो कब मिलेगा. सो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येल्लो कलर, सो येल्लो यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो फेवरेबल इवेंट में कितना आएगा, 1 आएगा. एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4, सो इक्वल टू 4. इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, तो ब्लू भी एक ही है, तो 1 डिवाइड बाय 4, राइट अभिषेक बेटा. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन भी आएगी 1 बाय 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, लास्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू वो भी कितनी आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 4. सिंपल लक्षात ठेवायचं, फेवरेबल आउटकम किती आहेत त्याला टोटल नंबर ऑफ द सैम्पल स्पेसनी डिवाइड करायचं. फेवरेबल आउटकम कितने हैं उसे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं उसे डिवाइड करना है. राइट, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था. इतना सिंपल प्रॉब्लम एग्जाम में पार्ट बी में पूछा जाता है. सो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. सिंपल लक्षात ठेवायचं की जे फेवरेबल आउटकम्स आहेत ते फेवरेबल आउटकम इथे लक्षात ठेवायचे आहेत. जे फेवरेबल आउटकम्स आहेत ते फेवरेबल आउटकम किती आहेत, और सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ द सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करना है. लक्षात ठेवा, सगळ्यात आधी काय करायचं, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करायचं. ओके, तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स है वो हमें सॉल्व, राइट. तो ठीक है, आज हम यहीं पे स्टॉप होते हैं. प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, यस हाँ, जर फेवरेबल आउटकम जर 2 असतील तर इथे 2 येणार. आता सपोज इथे येल्लो जर 2 असतील तर इथे किती येणार, 2 येणार. जर ब्ल्यू 2 असतील तर ब्ल्यूच्या ठिकाणी इथे किती येणार, 2 येणार. हे लक्षात ठेवायचं. ओके, ठीक है. अभी आप अटेंडेंस मेंशन करके मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं. थैंक यू.